नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन। व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी, स्वागत में व्हाइट हाउस में डिनर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया गर्मजोशी से स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात। यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को पीएम ने भेंट किया ग्रीन डायमंड का तोहफा। बाइडेन को पंजाब का घी और सोने का सिक्का गिफ्ट किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनएच 9 पर युवक युवती का रोमांटिक स्टंट, बाइक पर रोमांस का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। भोपाल में नहीं होगा पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो। पीएमओ ने नहीं दी रोड शो को अनुमति। 27 जून को एमपी दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। भोपाल दौरे पर दो वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। सीएम शिवराज ने दी जानकारी। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कल जब पूरी दुनिया योगमय हुई तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता योग करता नहीं आया नजर। मणिपुर में जारी हिंसा और तनाव पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, सारी समस्याओं का जल्द होगा समाधान। नहीं रुक रहा फिल्म आदि पुरुष का विरोध, अब संस्कृति बचाओ मंच ने दी मनोज मुंतशिर को चेतावनी। डायलॉग्स बर्दाश्त करने लायक नहीं, कहा मुंतशिर मध्यप्रदेश आए तो पहनाएंगे जूतों की माला। लाडली बहना योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, योजना में लाभुकों की पात्रता आयु 23 से घटाकर 21 वर्ष होगी। उम्र सीमा में संशोधन के बाद 12 लाख पात्र बहनों की बढ़ी संख्या। भोपाल कलेक्टर के आदेश के बावजूद राजधानी में चल रहे हुक्का बार, बैरागढ़ गांधीनगर और एनएमपी नगर में कार्रवाई, 3 हुक्का बार पर मुकदमा दर्ज। पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी सतर्क, जनजातीय क्षेत्रों को साधने की कोशिशें तेज। गृहमंत्री अमित शाह बालाघाट से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का करेंगे आगाज। मध्यप्रदेश चुनाव को लेकर सक्रिय दिख रही बसपा, यूपी से लगे एमपी के जिलों पर फोकस। आज पार्टी का रीवा में कार्यकर्ता सम्मेलन, अप्रैल से चल रही यात्रा जुलाई में होगी सम्पन्न। मां के कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा सुदामा निकला निर्दोष। अनूपपुर पुलिस ने फर्जी साक्ष्य जुटाकर आरोपी को दिलवाई थी आजीवन कारावास की सजा। जबलपुर हाईकोर्ट की साजिश का पर्दाफाश। इंदौर में युवक की पिटाई और जबरन पैर छुआने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैर छुआने का वीडियो हुआ था वायरल, वीडियो में युवक को पिता कहने पर कर रहे थे मजबूर। सतना में बीजेपी सांसद गणेश सिंह की सभा में हंगामा, नाराज ग्रामीणों ने सांसद को जमकर सुनाई खरी खोटी। क्षेत्र में विकास नहीं होने से नाराज हैं ग्रामीण। शिवपुरी के फतेहपुर इलाके में बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 5 लोग हुए घायल। थिंक गैस की पाइपलाइन में रिसाव के कारण हुआ ब्लास्ट। बुरहानपुर में बारिश नहीं होने से किसान परेशान, आगामी फसल को लेकर सता रही चिंता, इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं किसान। अरब सागर से उठे पिपरजॉय तूफान का एमपी में असर बरकरार। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ समेत कई जिलों में बारिश की आशंका। 27 जून को मॉनसून की एंट्री। आगर मालवा में मरीज को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 लोग घायल। नलखेड़ा से आगर जाने के दौरान हुआ हादसा। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी और नागपंचमी को लेकर कलेक्टर ने की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 10 जून को निकाली जाएगी सवारी, 21 अगस्त को नागपंचमी। श्योपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले मुरैना के 3 और श्योपुर के शिक्षकों की सेवा समाप्त। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई की खबर। शिवपुरी में 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को दबोचा, जमीन के सीमांकन के नाम पर मांगी थी रिश्वत। सागर में दलित समुदाय के घरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, आज सुर्खी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे देवेंद्र सिंह। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों पर चला है बुलडोजर। टिकट वितरण पर श्योपुर में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान, का सर्वे के आधार पर दिया जाएगा टिकट, स्थानीय लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। जबलपुर में हिंदू धर्म सेना की घोषणा के बाद सियासत तेज, मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू लड़कों को 11,000 इनाम देने की घोषणा। कांग्रेस ने सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर की कार्रवाई की मांग। इंदौर के कारोबारी राजीव कुमार सुसाइड मामले की अब तक नहीं सुलझ पाई गुत्थी, पुलिस बोली बयान देने की स्थिति में नहीं घरवाले। 15 जून को राजीव ने की थी आत्महत्या।
खरगोन में सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, दो मंजिला मकान को किया गया जमींदोज, पुलिस की मौजूदगी में 5 मकानों पर चला बुलडोजर। सीहोर में रोजगार मेले के नाम पर दर्जन भर बेरोजगारों के साथ छल, हैदराबाद ले जाकर ट्रेनिंग के नाम पर लिए गए 7,500 रूपए, रोजगार के नाम पर झाड़ू लगवाने और शौचालय सफाई करवाने का। बुरहानपुर में बीजेपी नेता किशोर शाह के घर चोरी मामले में एक्शन में प्रशासन, चोरों का पता बताने वाले को 10,000 रूपए का इनाम, सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी। लाडली बहनों के हक पर डाला जा रहा डाका, सतना की 2200 महिलाओं के खातों से राशि हुई गायब, हितग्राही के खातों से गुड़गांव के बैंक खातों में पहुंची राशि। राजगढ़ में 21,000 रूपए का इनामी लंगूर पिंजरे में कैद, स्पेशल टीम ने ड्रोन की मदद से की सर्चिंग, लंगूर ने 16 दिन में 20 से ज्यादा लोगों को बनाया था शिकार। बुरहानपुर में वैवाहिक बंधन में बंधे 471 जोड़े, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुई शादी, 9 मुस्लिम जोड़ों का भी कराया गया निकाह। शादी के बंधन में बंधने वाली भांजियों को सीएम शिवराज ने दिया आशीर्वाद, कहा मामा की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। श्योपुर में अनियंत्रित होकर स्लीपर बस पलटी, सड़क से उतरकर खाई में गिरी बस, हादसे में महिला बच्चे समेत 25 यात्री घायल। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर ट्रक और जीप के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, शाजापुर के रोजवास टोल टैक्स के पास हादसा। रायगढ़ से कुनकुरी जा रही बस हादसे का शिकार, कार बोलेरो की भीषण टक्कर, हादसे में 2 घायल।